दोस्तों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त अकम छापड़ा। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं गाड़ी की वीडियो जो कि है वैगनार। तो सेकंड हैंड कार मार्केट में बहुत ही डिमांडिंग कार है ये वैगनार। ये है LXi मॉडल, देखो यहां लिखा है। तो सेकंड हैंड कार मार्केट में जब भी कोई कार लेने जाता है 2 लाख के बजट में, तो उसके माइंड में जरूर आता होगा यार मैं एक वैगनार लूँ और उसको अच्छे से पूरा उसका पैसा वसूल करूँ। तो आज हम बात करेंगे इसको, इस गाड़ी का स्पेसिफिकली वैगनार को, सेकंड हैंड लेने का फ़ायदा है या नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो देखो कुछ इसकी लुक्स ऐसी हैं साइड से, ठीक है। मैं आपको एक बार लुक्स दिखा देता हूँ। सबने वैसे वैगनार देखी होगी, कोई ये बहुत यूनिक गाड़ी तो है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं सारी लुक्स, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरऑल इसकी वॉक अराउंड लुक दिखा देता हूँ। देखो साइड लुक कुछ ऐसी है। जो इसकी खास बात मुझे इस गाड़ी की लगती है, थोड़ी ऊंची है, ठीक है। जैसे इसकी हाइट भी अच्छी है और LXi मॉडल में भी आपको देखो प्रैक्टिकल रूफ रील्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको 13 इंच का टायर मिल जाएगा। फ्रंट लुक इसकी मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी इसकी फ्रंट लुक रहने वाली है, ठीक है। गाड़ी एक नॉर्मल सी डिसेंट सी लगती है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पोर्टी या फैंसी लुक नहीं है, सिंपल सी दिखने वाली गाड़ी है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी में देखो पहले तो आपकी की देखो, LXi मॉडल में बिल्कुल सिंपल सी की मिलेगी, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी आपको, रिमोट की नहीं मिलेगी, सिंपल सी की। और LXi में आपको 2 पावर विंडो और ये विंडो लॉक का बटन आपको मिल जाएगा। स्टेयरिंग भी सिंपल सा है, देखो ऑडोमीटर आप देखो, सिर्फ आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर ही मिलेगा और यहाँ पे छोटी सी एक स्क्रीन है जिसमें आपको किलोमीटर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ गाड़ी, देखो यहाँ पे आपको फ्यूल का इंडिकेटर, यहाँ पे आपको किलोमीटर्स कितनी चली है गाड़ी, ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह हैं। तो देखो इसमें भी LXi मॉडल में भी इसमें कम्युनिकेटेड म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पे आपको उसके बटन वगैरह मिल जाएंगे। बहुत ही फ्लैट सा इंटीरियर है, देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा स्टोरेज के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे AC के इसके वेंट्स दिए हुए हैं। और इंटीरियर देखा जाए तो पूरा ये हार्ड प्लास्टिक है, ग्रेज सा कलर का इंटीरियर है, बहुत ही नॉर्मल। और यहाँ पे भी आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा। सीट इसकी अगली तो मेरे को दोनों कंफर्टेबल लगी, जो कि इसकी LXi में एक अच्छी बात लगी मुझे मारुति में। देखो पहले तो यहाँ पे सिंपल से इसके AC कंट्रोल दिए हुए हैं, ठीक है। AC को बंद कर देते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ गियर लीवर दिया हुआ है, कोई हैंडरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सो अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे फ्रंट सीट में भी, ठीक है। और रियर सीट में भी, देखो रियर सीट में भी आपको इसमें हैंडरेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि आपको एक जो पीछे पैसेंजर बैठा उसको भी एक कंफर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक ऐसा ग्लास होल्डर है, ऐसे इसको आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप ग्लास वगैरह बॉटल वगैरह रख सकते हैं। एक कप होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा, कप होल्डर तो नहीं कह सकते बट हाँ एक स्पेस है। थोड़ा इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके मैं हमेशा से डाउट में रहा हूँ वैगनार की, क्योंकि देखो कैसे इसका इंटीरियर हिलता है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि मारुति की बिल्ड क्वालिटी पहले तो, अब तो थोड़ा इन्होंने सुधार किया बट पहले इनकी बहुत ही बढ़िया बेकार बिल्ड क्वालिटी आती थी। तो अगर आप देखो यहाँ पे भी ये थोड़ा टीन की तरह ये गाड़ी बजेगी, बट फिर भी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं इसको लेने के लिए सेकेंड हैंड कार मार्केट में। मैं आपको पीछे का स्पेस दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा इसमें मैंने अगली सीट अपने हिसाब से सेट करी थी। तो पीछे ये नॉर्मल सा स्पेस है इसमें, ठीक है, 4 बंदे थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बट इसमें जो मुझे अच्छी बात लगी, इसका हेडरूम बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी हमारे सिख भाई हैं, अगर उनको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो उन्होंने लोकल ड्राइव करनी है, तो उनको बहुत ये कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि देखो हेड स्पेस कितना, उनकी पगड़ी आ जाती है तो पगड़ी उनको छोटी गाड़ियों में जैसे A-Star होगी, ऑल्टो होगी, उनमें थोड़ी उसको दिक्कत आती है सरदार भाइयों को हमारे। तो यहाँ पे उसको बहुत अच्छा सरदार भाइयों को हमारे बहुत ही अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा, हेडरूम मिल जाएगा। कुछ इसकी फ्रंट इसका डैशबोर्ड ऐसा दिखता है, देखो पूरा इसका मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। ये देखो तो डैशबोर्ड वाला नॉर्मल दिखने लगा, कुछ भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं मिलेगा, सब कुछ नॉर्मल सा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, नॉर्मल सा मिरर है, कोई वैसा नहीं है। ऊपर एक लाइट मिल जाएगी और मैं आपको इसका पीछे का डोर दिखा देता हूँ LXi में। आपको हाथ से इसका विंडो वगैरह क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिला हुआ है। तो इसकी बात करते हैं बूट स्पेस की, ठीक है। इंजन इसमें 1000 CC का है, ठीक है, K सीरीज का इसमें इंजन आता है जो ऑल्टो K10 में मिलता है, ठीक है। बोनट भी ओपन कर लेते हैं और डिग्गी भी ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं इनकी बोनट और डिग्गी में कितना, इसकी डिग्गी में कितना स्पेस है। नॉर्मल सा स्पेस है, ठीक है, 2 बैग आ जाएंगे। पर एक इसकी मुझे एक और मैंने अभी नोट करी इसमें बात, इसमें यार 60-40 स्प्लिट दिए हुए हैं। अगर आपको बूट स्पेस बनाना है तो आप सीट को ऐसे डाउन कर लें, आपके लिए बूट स्पेस बन जाएगा। कुछ इसमें यूटिलिटी फीचर बहुत अच्छे हैं यार, जैसे कि ये हेडरेस्ट मिला हुआ है बैक साइड पे, ठीक है। ऐसे ही आपको 60-40 स्प्लिट मिल रही है आजकल, तो भाई 15 लाख की क्रेटा में ई और EX मॉडल में भी आपको ये नहीं मिलता, ठीक है। हाइट बहुत अच्छी है गाड़ी की, हेडरूम बहुत अच्छा है, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बैक साइड से, आपने देख लिया गाड़ी में। आपको इसका बोनट भी खोल के भी दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। इसमें टायर देख लीजिए, टायर 13 इंचज का आपको नॉर्मल से टायर मिलेगा, 55-80-13 इसका टायर है, टायर साइज है।
बोनट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हुड के अंदर क्या है। देखो कुछ ऐसा सा सिंपल सी इसकी एक बैटरी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा कोई तामझाम तो इसमें है नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ दिखने वाला इसका इंजन है। और इसका जो मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसका एसी का रिस्पांस बहुत अच्छा है भाई मारुति की गाड़ी का। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, आपको ये गाड़ी 2 लाख के बजट में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको इस बजट में ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा जो मानना है, मैंने इस गाड़ी को अच्छे से ड्राइव किया, जो मुझे इसमें लगा, मुझे इसमें थोड़ा परफॉर्मेंस में इसकी मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि ब्रेकिंग इसकी बड़ी नॉर्मल सी है, ठीक है। पिकअप इसका नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छा पिकअप नहीं कह सकते, बट हाँ लोकल ड्राइविंग के लिए मोर देन इनफ है। और अगर आप पहाड़ों में भी जा रहे हो तो ये गाड़ी आपको ले जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बट दोस्तों जो मेरे को लगा इसमें, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं मुझे लगी, ठीक है। एसी की परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छा है, बट हेडरूम बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सिख भाइयों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी पगड़ी रहती है, तो बहुत अच्छा हेडरूम मिल जाता है, अच्छा ड्राइविंग कम्फर्ट उनको मिलेगा। बट अगर बात करें 2 लाख के बजट में आपको कौन सी गाड़ी, ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं एवरेज, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको कंसीडर करें। एवरेज के साथ साथ आपको अच्छा हेडरूम भी मिल रहा है, और यहाँ 60-40 आपको स्प्लिट सीट भी मिल रही है, जो कि आपको एक ना एक दिन जरूर काम आने वाली है। और अगर आपको गाड़ियाँ पसंद है परफॉर्मेंस वाली, अगर आपको ड्राइविंग ज़्यादा अच्छी का चाहिए, और आपको बिल्ड क्वालिटी, जैसे इसकी आप देखो सारा इंटीरियर बोलते हैं कितना हल्का इंटीरियर, हल्का सा अंगूठे से मैं दबा रहा हूँ तब भी ये दब जा रहा है, ठीक है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली, बाहर से भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी, अच्छा इंटीरियर और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप होंडा की i10 देख सकते हैं। 11 मॉडल के बाद वाली कोई भी i10 देख लें, बहुत अच्छी i10 आई थी उस टाइम पे, और उसमें आपको 1.2 सीसी का इंजन मिल जाएगा, कापा 2 इंजन उसमें आता था। तो उस इंजन की परफॉर्मेंस जो मुझे ओवरऑल लगती है, मैंने खुद उसको काफ़ी टाइम ड्राइव किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बट जो उसका ड्रॉबैक है, उस गाड़ी में ड्रॉबैक है कि आपको एवरेज थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो उसमें आपको एवरेज मिलेगी लगभग लोकल में 10 से 12 की, और हाईवे पे आपको वो 17-18 की निकाल देगी। और इसमें आपको मिलेगी हाईवे पे 20 तक की, आपको ये हाईवे पे देगी, और 13-14 की ये लोकल में निकाल देगी। और बात करी जाए इसके खर्चे की, इसकी सर्विस और उसकी सर्विस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं, दोनों की आफ्टर मार्केट की मैं बात करूंगा एजेंसी की, क्योंकि कोई पुरानी लेके इसको एजेंसी में सर्विस तो कराने जाएगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है। और इस ये गाड़ियां ऐसी है कोई भी मैकेनिक इनको अच्छे से रिपेयर कर सकता है। तो बात करें इसकी सर्विस, बाहर से 2000 रुपये में इजिली हो जाती है, और i10 की भी इतने में आपको सर्विस हो जाएगी आसानी से 2000 रुपये में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और आप एवरेज की तरह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ i10 के आप एक बार कोई i10 सेकेंड हैंड की टेस्ट ड्राइव जरूर लेके देखिए, ठीक है, आपको पता लगेगा इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। और अगर आपको चाहिए, मुझे एवरेज ही चाहिए, ठीक है, और आपको अच्छा हेडरूम चाहिए और ग्राउंड क्लीयरेंस तो i10 में भी अच्छा है बट इसमें और अच्छा है, तो आप इसके लिए जाए, क्योंकि और इसकी रीसेल वैल्यू भी उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो आपको अगर एवरेज का प्रायोरिटी है तो आप इस गाड़ी के लिए जरूर जा सकते हैं। और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2 लाख के बजट में आप i10 को जरूर कंसीडर करें। और इसमें 1000 सीसी का इंजन मिलता है, उसमें आपको 1200 सीसी का इंजन मिलेगा, तो परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली फर्क आने वाला है। तो ये था मेरा छोटा सा ओवरव्यू आपको सेकंड हैंड वैगन आर के बारे में मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और मेरी मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों मेरा चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो और लेके आऊँगा फ्यूचर में। तो प्लीज़ दोस्तों मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए छोटा सा काम है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि मेरा चैनल इसी से ग्रो करेगा, मैं ऐसी वीडियो और तभी ला पाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।